हे गाइस, आप सब रोटी खाते ही होंगे, पर क्या आप जानते हैं रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और कोरियन स्किन को बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? एक ऐसा माउंटेन है जिससे खून निकलता है, और अगर हम किसी चीज को शिप द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शायद आपका आंसर शिपमेंट होगा, पर यह गलत है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। नंबर वन, चाइना में एक स्कैन किया जाने वाला QR कोड ड्रोन के द्वारा स्काई में प्रोजेक्ट किया गया था, और जब स्कैन किया गया तब एक वीडियो गेम डाउनलोड हो गया। नंबर टू, आप सब रोटी खाते ही होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं। नंबर थ्री, इस व्यक्ति का नाम है पेब्लो एस्कोबार, और इसने कोकेन बिजनेस के द्वारा इतना पैसा कमाया कि उसे $2500 हर महीने खर्च करना पड़ा इलास्टिक बैंड्स को खरीदने के लिए, ताकि वो कैश को रख पाए। नंबर फोर, आप ये जानते ही होंगे कि अगर हम किसी चीज़ को कार द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे शिपमेंट कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं जब हम किसी चीज़ को शिप द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ, उसे कार्गो कहते हैं। नंबर फाइव, गाइस, क्या आपको स्विमिंग आती है? अगर नहीं तो एक टाइम था जब सबको स्विमिंग आती थी, आपको भी, और वो टाइम था जब आप 4 से 7 महीने के बच्चे थे, और इसका रीज़न है नेचुरल इंस्टिंक्ट। बचपन में, यानी कि हम जब मंथ्स ओल्ड होते हैं, तो हम दिमाग से काम नहीं करते, हम काम करते हैं हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट से, जैसे कि बाकी सारे जानवर करते हैं। तो इसी कारण स्विमिंग करना ह्यूमन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और इसीलिए जब हम बच्चे होते हैं तो हमें स्विमिंग करना आता है, पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं और फिर हमें सीखना पड़ता है। नंबर सिक्स, अगर हम पूरे वर्ल्ड के बीचेस और ऑस्ट्रेलिया के बीचेस को नंबर में कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी एक कंट्री में 1865 बीचेस है, यानी अगर आप रोज एक बीच में घूमोगे तो आपको 29 साल लग जाएगा सारे बीचेस घूमने में। नंबर सेवन, अभी पूरे दुनिया में 2021 का साल चल रहा है, पर नॉर्थ कोरिया में 109 का साल चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर किम वॉन सुंग, जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडर है, उनके बर्थ के ऊपर बेस्ड है। नंबर एट, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी था जिसने लंबोर्गिनी के लिए जान दे दिया, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर नहीं तो ये फैक्ट सुन लो। जिम्बाब्वे में रहने वाला एक आदमी था जिसे लंबोर्गिनी चाहिए था, और वो भगवान पे बहुत बिलीव करता था, तो इसीलिए उसने एक शर्त रखी, जब तक भगवान उसे लंबोर्गिनी नहीं दे देता तब तक वो उपहास रखेगा, और कुछ भी हो जाए वो अपनी उपहास नहीं तोड़ेगा, और जैसा उसने कहा था उसने ऐसा ही किया। उसने उपहास रखा, और ये उपहास 40 दिन तक चला, और उसके बाद उसे लंबोर्गिनी तो नहीं पर मौत मिल गया। उसने 40 दिनों तक कुछ नहीं खाया, और इसीलिए वीकनेस के कारण वो मर गया। नंबर नाइन, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा बर्फीला पहाड़ है जो बर्फ़ पिघलने पे खून निकलता है, ये पहाड़ अंटार्कटिका में है, और इसे ब्लड फॉल माउंटेन भी कहा जाता है। यहाँ से अक्सर खून जैसा लाल और गहरा पदार्थ निकलता है, ये कैसे और क्यों होता है फिलहाल किसी के पास इसका जवाब नहीं है। नंबर टेन, कोरियन लोग जो होते हैं, खासकर लड़कियाँ, उनके स्किन को बेस्ट स्किन इन द वर्ल्ड माना जाता है, और यहाँ के लोग स्किन पे कई टाइप की रेमेडी यूज़ भी करते हैं, और उसमें से एक है स्लैप ट्रीटमेंट। अपने फेस को दिन में 30 या 40 बार स्लैप करती है, और इसके पीछे छोटी सी साइंस है। जब वो स्लैप करती है तो ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है, इसी भरे हुए ब्लड की वजह से टॉक्सिन्स निकलते हैं, और इसे स्किन इम्प्रूव हो जाती है। और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।